नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल से हम क्लास स्टडी में। साथ ही आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पट्टा सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पट्टा सेट है। अगर आप लोग यूपी पुलिस में भर्ती पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस पट्टा सेट में 37 में से कम 30 प्रश्न आप तो करके ही जाइए। अगर आप 30 पे सही नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अभी ठीक नहीं चल रही, अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं बता दूं साथियों कि मैं अपने चैनल पर आपको डेली हिंदी के दो पैटर्न सेट करवाता हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पैटर्न सेट हैं। हिंदी के पैटर्न सेट आने का समय है दोपहर के 12 बजे और रात्रि के 8 बजे। जीके जीएस के पैटर्न सेट आते हैं उसमें भी करिएगा, यूपी जी की प्रैक्टिस सेट आते हैं, यानी हर तरीके से मैं आपको यूपी तैयारी कर रहा हूँ। आपको किसी अन्य चैनल पर तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो ही कोर्स आप पेड कोर्स में खरीदते हैं वही कोर्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो साथियों, इससे पहले मैं हिंदी के 255 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, जहाँ से आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेटों को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चले। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे आपके सभी छोटे भाई बहन प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। और साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आप हमारी वीडियो यूपी के किस जनपद से देख रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 256। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि संध्य गीत किसका काव्य संग्रह है। तो किनका काव्य संग्रह है संध्या गीत, तो ये है महादेवी वर्मा। किनका? महादेवी वर्मा का ये काव्य संग्रह है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार कौन है। तो कौन है ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार? तो इसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। कौन से है? जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बरवा किस प्रकार का छंद है। तो ये किस प्रकार का छंद है बरवा, ये आपको बताना है। तो बरवा एक मात्रिक अर्धसम छंद। कैसा? मात्रिक अर्धसम छंद, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बैन सुनियो जपते मधुर तपते सुनत न बैन, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो कौन सा अलंकार है? बैन सुनियो जपते मधुर तपते सुनत न बैन, तो इसमें अलंकार है ब्रोदावास। किसका? ये ब्रोदावास अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द के जिस व्यापार से मुख और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो उसे हम कहते हैं व्यंजना। क्या कहते हैं? व्यंजना कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो कितनी है संचारी भावों की संख्या ये आपको बताना है। तो संचारी भावों की संख्या होती है 33। कितनी? 33 होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है। तो क्या है हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ? वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हथियार डाल देना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ है हार मान लेना। क्या? हार मान लेना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊंची दुकान फीके पकवान इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो क्या है इस लोकोक्ति का सही अर्थ? ऊंची दुकान फीके पकवान, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है केवल बाहर प्रदर्शन करना यानी बाहरी दिखावा करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा सुग्रीव। क्या हो जाएगा? सुग्रीव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लौटकर आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द क्या है, लौटकर आया हुआ, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रत्यागत। क्या प्रत्यागत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अर्थ आद्र शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, तो इसका सही अर्थ भेद क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। तो जो आगे वाला अर्थ है तो इसका अर्थ होता है दुखी, और जबकि पीछे वाला जो आद्र है इसका अर्थ होता है गीला, तो जिस ऑप्शन में दुख और गीला होगा, पहले दुख बाद में गीला, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संकल्प का सही विलोम शब्द है, तो क्या हो जाएगा संकल्प का सही विलोम शब्द, संकल्प का सही विलोम शब्द हो जाएगा विकल्प। क्या विकल्प, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अग्रज का विलोम शब्द है, तो कौन सा है अग्रज का विलोम शब्द ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। क्या अनुज, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो चारु, कौन चारु ये स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, जबकि रमणी, महिला और कांता ये स्त्री के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीवर्ण किसका पर्यायवाची है, तो किसका पर्यायवाची है गीवर्ण, तो ये पर्यायवाची है देवता का, किसका देवता का है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने कि जिस वाक्य रचना में एक से अधिक सरल वाक्य हो और उनमें से एक प्रधान हो तथा शेष उसके आश्रित हो, उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे ये आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसका जिस वाक्य रचना में एक से अधिक सरल वाक्य हों और उनमें एक प्रधान हो तथा शेष उसके आश्रित हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा है जो अशुद्ध वाक्य है, तो पढ़ लीजिएगा चारों विकल्प और बताइएगा उसके बाद कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, ये सही है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान, ये गलत हो जाएगा, कौन सा सप्तमा का सी जो है वो गलत हो जाएगा, यहाँ होना चाहिए था उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने की रचना के अनुसार वाक्य के कितने प्रकार हैं, तो कितने प्रकार हैं रचना के अनुसार वाक्य के, तो वाक्य के प्रकार हैं तीन, कितने तीन हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 19 की, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, इस वाक्य में मैं पढ़ूंगा क्या है, तो क्या है इस वाक्य में मैं पढ़ूंगा ये आपको बताना है, तो क्या है, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा ये है संज्ञा उपवाक्य, क्या है संज्ञा उपवाक्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि देव का मारा हुआ है किस प्रकार का पदबंध है, तो ये किस प्रकार का पदबंध है ये आपको बताना है, देव का मारा हुआ है, तो ये है एक सर्वनाम पदबंध, क्या है सर्वनाम पदबंध है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वाक्य के एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनाने या जानने की स्वाभाविक इच्छा को क्या कहते हैं ये आपको बताना है, तो क्या कहते हैं, वाक्य के एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने या जानने की स्वाभाविक इच्छा को, तो इसे हम कहते हैं आकांक्षा, क्या कहते हैं आकांक्षा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्माधर्म में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है धर्माधर्म में, तो इसमें समास है अव्ययी भाव समास, कौन सा है सॉरी अव्ययी भाव नहीं द्वंद्व समास है धर्माधर्म में, धर्माधर्म में द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि ईश्वर प्रदत्त में कौन सा भेद है, सॉरी समास का कौन सा भेद है ईश्वर प्रदत्त, तो इसमें है तत्पुरुष समास। कौन सा है? ये तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विशेषण शब्द चतुर से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, तो कौन सी है विशेषण शब्द चतुर से निर्मित भाववाचक संज्ञा, तो चतुर से निर्मित भाववाचक संज्ञा हो जाएगी चतुराई, चतुर्थ, चतुरी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे चतुर से निर्मित भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री शब्द का सही विशेषण है, तो स्त्री शब्द का सही विशेषण कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 25 का आपको राइट आंसर बताना है। तो स्त्री शब्द का सही विशेषण हो जाएगा स्त्रैण, कौन सा स्त्रैण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौनते शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा कौनते में ये आपको बताना है, तो कौनते प्रत्यय हो जाएगा ई, कौन सा हो जाएगा ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या प्रत्यय लगाने से नहीं बना है, तो इनमें से कौन सा वो प्रत्यय है जो या प्रत्यय के से नहीं बना है, क्वेश्चन नंबर 27 का आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय, राष्ट्रीय प्रत्यय या प्रत्यय नहीं लगा, बाकी के तीनों में या प्रत्यय लगा है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सम उपसर्ग का अर्थ है, तो क्या है सम उपसर्ग का अर्थ ये आपको बताना है, तो सम उपसर्ग का अर्थ है पूर्णता, कौन सा है पूर्णता है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कैंची किस भाषा का शब्द है, तो कौन सी भाषा का शब्द है कैंची ये आपको बताना है, तो कौन सी भाषा का है, तो कैंची है ये तुर्की भाषा का शब्द, कौन सी तुर्की भाषा का शब्द है कैंची, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कपित का तद्भव शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा कपित शब्द का तद्भव, तो कपित का तद्भव हो जाएगा कैथा, कौन सा हो जाएगा कैथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पारिवा का तत्सम रूप है, तो कौन सा है पारिवा का तत्सम रूप ये आपको बताना है, तो पारिवा शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा प्रतिपदा, कौन सा प्रतिपदा, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इसलिए अव्यय का कौन सा भेद है, तो इसलिए जो शब्द है ये अव्यय कौन सा भेद है, तो ये है अव्यय का एक समुच्चय बोधा, कौन सा समुच्चय बोधा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने मुरारी को मारा था इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है, तो कौन सा भेद है इस वाक्य में आपको बताने कि उसने मुरारी को मारा था, तो इसमें भूतकाल का है ये पूर्ण भूतकाल का भेद है, कौन सा ये पूर्ण भूतकाल का भेद है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं पहली क्रिया को ये आपको बताना कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तो पहली क्रिया को कहते हैं, तो पहली क्रिया को हम कहते हैं पूर्णकालिक क्रिया, कौन सी पूर्णकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतीश प्रश्न है आपके सामने कि सतीश चंचल बालक है इस वाक्य में चंचल किस प्रकार का विशेषण, तो किस प्रकार का विशेषण है चंचल ये आपको बताना है, तो कौन से प्रकार का विशेषण है चंचल, तो चंचल जो शब्द है इस ये है गुणवाचक विशेषण, कौन सा गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि उसने कुछ नहीं खाया इस वाक्य में कुछ में कौन सा सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम है कुछ में, तो कुछ जो शब्द है तो ये है एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कैसा है कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि लड़का पेड़ से गिरा इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक, क्वेश्चन नंबर 17 में ये आपको बताना है, लड़का
पेड़ से गिरा, तो ये है एक आपादान कारक। कौन सा आपादान कारक है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपने इसको जरूर शेयर करना और बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। डेली प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।